गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ केशव कुमार शर्मा फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप घर पे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो आज हम हमारे पुराने टॉपिक संधि के ऊपर बात कर रहे थे कि संधि, उसकी डेफिनेशन, स्वर संधि के बारे में जानकारी की थी हमने, और उसके बाद में स्वर संधि के भेदों के बारे में जाना था। तो पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि, उसके बाद में अपने वृद्धि संधि, गुण संधि, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज बची हुई संधियाँ जैसे कि यण संधि है और अयादि संधि है, इनके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। तो आइए हमें अपना समय बर्बाद न करें और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो टॉपिक अपना संधि, संधि के अंदर हमारा चौथी संधि है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि क्या कहती है? यदि ई ई उ या रे के बाद उपरांत कोई ऐसा मान स्वर आ जाए, यदि ई ई उ या रे के उपरांत कोई ऐसा मान स्वर आ जाए तो ई ई के स्थान पे ये मतलब आधा ही आएगा, उ के स्थान पे बे भी आधा आएगा और रे के स्थान पे रे आधा वो भी, ठीक है। तो ये आपस में बदल जाते हैं, ई के स्थान पे ये हो जाता है, उ के स्थान पे बे हो जाता है और रे के स्थान पे रे हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि धनु प्लस अंतर, धनु प्लस अंतर, इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उ का उच्चारण हो रहा है तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए का उच्चारण हो रहा है, तो उ और ए मिलके बे का निर्माण करते हैं। और बे और ए मिलके, यहाँ से उ और ए मिलके बे का निर्माण कर रहे हैं और फिर यहाँ बे बना तो बे और ए मिलके पूरे बे का निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ा तो धनु प्लस अंतर तो बराबर बना धनुअंतर। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, इति प्लस आदि, यहाँ प्रथम शब्द के द्वितीय वर्ण में ई का उच्चारण हो रहा है तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आ का उच्चारण हो रहा है, तो ई प्लस आ मिलके य का निर्माण कर रहे हैं हमारे, तो य और ए मिलके पूरे य का निर्माण करते हैं। तो पूरे य से मिलके ये इति प्लस आदि बराबर इत्यादि शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार और एक उदाहरण देखते हैं, मात्र प्लस आज्ञा, तो मात्र में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में रे का उच्चारण हो रहा था, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आ का उच्चारण हो रहा है, तो रे और आ मिलकर रे का निर्माण कर रहे हैं। तो रे प्लस आ, यहाँ से रे निकला और यहाँ से आ निकला, तो रे प्लस आ मिलके पूरे रा का निर्माण कर रहे हैं। तो मात्र प्लस आज्ञा मिलके मातृज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं। तो यण संधि, यण स्वर संधि हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली है हमारी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या कहती है? यदि ए ए ओ ओ के उपरांत यदि कोई असमान स्वर आ जाए, ए ए या ओ ओ के उपरांत कोई असमान स्वर आ जाए तो ए ए ओ ओ के स्थान पे ए के स्थान पे अय, ओ के ए के सॉरी ए के स्थान पे अय, आई के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव का निर्माण करते हैं। तो ये चारों शब्द आपस में बदल जाते हैं, ए के स्थान पे आय हो जाता है, ए के स्थान पे आय हो जाता है, औ के स्थान पे अव हो जाता है और औ के स्थान पे आव का निर्माण करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको हम समझते हैं। उदाहरण है पहला, ने प्लस अन, ने प्लस अन, यहाँ से प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में ए का निर्माण, ए का उच्चारण हो जाता था, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए का निर्माण, वो हो रहा है उच्चारण, तो ए प्लस ए मिलके ए का निर्माण कर रहे हैं, तो ने प्लस अन बराबर नयन का निर्माण होगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, गे प्लस अन, यहाँ प्रथम शब्द में ए का उच्चार, ई का उच्चारण हो रहा है तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए का उच्चारण हो रहा है, तो ए प्लस ए मिलके आय का निर्माण कर रहे हैं, तो गे प्लस अन बराबर गायन का निर्माण होगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देते, पो प्लस अन, पो प्लस अन में मतलब प्रथम वर्ण में ओ का उच्चारण होता था, द्वितीय वर्ण के प्रथम वर्ण में ए का उच्चारण हो रहा था, ओ प्लस ए मिलके अव का निर्माण कर रहे हैं, तो ओ और ए मिलके अव का निर्माण कर रहे हैं, तो पो प्लस पो की जगह अव हो जाए, प आ और पवन, पवन का निर्माण होगा, सॉरी ये कुछ गलत हुआ,
ओ प्लस ए बराबर पवन का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार चौथा और अंतिम उदाहरण है धो प्लस अक में प्रथम वर्ण में ओ का औ का उच्चारण हो रहा तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए का उच्चारण हो रहा है, तो ओ औ और ए मिलके आव का निर्माण कर रहे हैं। तो धो प्लस अक बराबर धावक का निर्माण होगा। तो आपको आशा करता हूँ समझने में आया होगा, कुछ गलतियाँ हों तो उन पर विशेष गौर ना करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आगे ये कहना चाहता हूँ मैं कि अपनी जो एक्सरसाइजें हैं उनको आप करते रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।